हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपको मेरे एक और नए वीडियो में। और हाँ, मैं ही हूँ गाय ऑन बजट। बता बता के थक गया हूँ कि मैं ही हूँ गाय ऑन बजट। शायद अब तक तो आपने पहुँचाया पहचान ही लिया होगा कि मैं ही हूँ गाय ऑन बजट। सो एक और वीडियो के साथ आ गए, एक्साइटिंग वीडियो के साथ और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और ग्लिम्स जो कि बहुत लोग कहते रहते हैं, ग्लिम्स ऑफ फ्यू ऑफ द वॉचेस ऑफ माई कलेक्शन, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि वॉचेस की एक इम्पॉर्टेंस होती है। हर वॉच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर मुझे बोला जाए कि कोई पांच वॉचेस अपने कलेक्शन से पिक करके मैं बताऊं कि जो मेरे लिए फेवरेट है, रैंकिंग नहीं दूंगा बट ऐसा कि मगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं वो पांच वॉचेस आपको बता सकूं। क्योंकि इफ़ यू डू नॉट हैव दैट यू नो मेंटालिटी कि मुझे क्या चाहिए इन वॉच, ऐसे कि बस आप कुछ भी ले लो फोमो में रखे या चमटी के, तो बात नहीं बनेगी, बल्कि आप बाद में रिग्रेट करोगे। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ऑलवेज मेक श्योर दैट आप वही वॉच लो जिसकी एक मीनिंग हो, जिसको आप लेना चाहते हो। और मैं बताऊँ कैसे, मैं क्यों ये वॉचेस लेना चाहता था, तो इसलिए आप वॉचेस लो और जो आपका एक वैल्यू हो, आपको वैल्यू ऐड करे आपके कलेक्शन में। ऐसा नहीं कि कुछ भी बस फोमो में आके ले लिए और कितने का भी ले लिए, नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ द वॉच and what it means to you in your collection. So उसी के बारे में बात करेंगे। पांच अच्छी वॉचेज मैंने यहाँ शॉर्ट लिस्ट की है अपने कलेक्शन से, और एक एक करके दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों ली थी, कब ली थी, कितने की ली थी और आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये आई बटन पर लिंक आ रहा हो, जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई कि हाउ टू बाई एन एच एम टी वॉच। सो आप जाके देख सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो आप सर्टनली कॉमेंट से मुझे मेल कर सकते हैं, इट्स इन द डिस्क्रिप्शन। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, उससे एक हिम्मत बंधी रहती है, अच्छा लगता है, टाइम निकाल के मैं आपके लिए चीज़ कर सकता हूँ। एंड और भी कुछ आपको जानना हो तो मेक श्योर दैट यू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अब आइएगा तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली वॉच जो उसका मैं नाम लूंगा, जिसके लिए मुझे बहुत पापड़ भी बेलने पड़े थे, वो थी, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं, इसी और वॉचेस के लिए मैं सबसे ज़्यादा पापड़ बेल रहे थे, ये एच एम टी हिमालय। आपको अलग से भी इसका वीडियो दिख रहा होगा, दिस इज़ अ रियल ब्यूटी गाइज। ये भी एक एच एम टी ने नहीं बनाई थी, एक प्रोजेक्ट वॉच थी जो दो लोगों ने मिलकर बनाई थी। मतलब डिटेल में नहीं जाऊँगा, इसके डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई, आई बटन पर लिंक कर रहा हूँ, जाके आप देख सकते हैं। इट्स अ रियल ब्यूटी गाइज, इट्स अ रियल ब्यूटी। एंड मतलब दिस इज़ अ डिफरेंट वॉच, ये एच एम टी के कलेक्शन में एक डिफरेंट जगह होल्ड करती है। अगर आपको ये वॉच मिल जाए तो प्लीज़ प्लीज़ गो हेड फॉर इट। ये मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे एक मेंटोर हैं जो भाई सर जिन्हें मैं बोलता हूँ, वो उनको मैं बहुत टाइम उनके पीछे पड़ा था, एंड ही मेड श्योर लास्ट ईयर कि एक पीस ये एच एम टी के शोरूम में था। उन्होंने मुझे 3800 रुपये में ये कुरियर कर दी थी, एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं था, जस्ट अ कुरियर चार्जेस। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू सर। एच एम टी हिमालय विथ यू नो, इसके बेजल्स भी डिफरेंट हैं, इसका आ मार्किंग्स पे यू नो ये ब्लू मार्किंग्स हैं, एंड स्पेशली इसके जो इसके जो यू नो यहाँ पे अगर लोगों के पास अगर आप देखते हैं, एच एम टी हिमालय बिल्कुल डिफरेंट लिखा हुआ है, और नीचे जो हिमालय की रेंजेस बनी हुई हैं, इट इज़ अ ब्यूटी। इट्स ज़्यादा कुछ उसके बारे में डिटेल नहीं बताऊँगा, लेकिन इट इज़ अ रियल ब्यूटी। अगर ये वॉच आपको मिल सके तो प्लीज़ गो हैड। एंड अब तो बहुत महंगी होगी, मैंने ही 3800 में ली थी, एंड टच और लेते ही इसके प्राइस बढ़ गए थे, तो बहुत लकी नहीं, शायद लास्ट ईयर नहीं बढ़े थे, बट ये इट्स अ ब्यूटी वॉच, पार्ट ऑफ माई कलेक्शन। एंड कोई ऐसा रैंकिंग नहीं है, बट इसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। एंड इसका अगर आप सेकंड के हैंड देखो, इट इज़ ब्लू, और इसके जो दोनों दूसरे सेकंड और आर के हैंड है वो भी एरो या एरो उसके हैं, एंड इट लुक्स रियली पॉइंटेड एंड इट लुक्स रियली ब्यूटी। एंड इसका जो ब्रेसलेट भी आता है वो मैश का है, इट एड्स रियल ब्यूटी टू दिस। सो अगेन प्रिटी डिसेंट वॉच, अब तो बहुत महंगी होगी बट मुझे तो बहुत सेक्सी लगती है, और इसके लिए मैंने बहुत बहुत लोगों को परेशान किया था, एंड थैंक गॉड आई हैव इट। सो दिस इज नंबर 5। चौथे नंबर पे अगेन कोई रैंकिंग नहीं है, आती है मेरी एच एम टी शिव, ओम नमः शिवाय कहते ही मन में आता है ये वॉच। जब मैंने पहली बार देखी थी मैं एकदम इसका फ़ैन हो गया था, मुझे लगा यार ये जगन्नाथ यात्रा के लिए एडिशन बनाई गई थी। डिफरेंट डिफरेंट डायल्स में आती है, ऐसा नहीं है कि ये, आई थिंक ये कोहिनूर का डायल है, किसका डायल है आई डोंट नो, मतलब कोहिनूर का ही डायल लग रहा है। ये और भी केसेस में आती है, मतलब इन्होंने स्पेशली अमरनाथ यात्रा के लिए बनाई थी। अगर इसमें स्पेशलिटी ये है, इसके जो
देखो मार्किंग से देखो सारी गोल्डन में है और इसके आर हैंड भी सारे गोल्डन में ही हैं। एंड यहाँ अमरनाथ यात्रा लिखा हुआ है इफ़ यू सी, एंड HMT शिव ऊपर लिखा हुआ है, एंड शिवलिंग भी बनी हुई है और माउंटेन रेंजेस बने हुए हैं। सो इट्स अ वेरी स्पेशल वॉच गाइज। अगर ये आपको अब तो पता नहीं मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, ये भी मैंने आई थिंक 3800 रुपये करीब ली थी, एंड इट्स अ ब्यूटी वॉच। अगर आपको इसे मिल जाए तो प्लीज़ गेट इट, बट अगर ये कोई वैल्यू ऐड करती है आपके लिए, मीन करती है कुछ, तभी आप लीजिएगा। मैं शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ तो मैंने ली। अगर आपको ये कहीं से मिल जाए प्लीज़ गो एंड गेट इट, बट प्राइसिंग देख लेना भाई, इसमें तो बहुत कुछ मांग रहा है। एंड आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू जस्ट शेड ऑफ योर पॉकेट्स एंड कुछ भी देते फिरो। तो गेट इन टच विद पीपल, एज आई ऑलवेज टेल, गेट इन टच विद रियल पीपल जो फेसबुक और कम्युनिटीज़ में हैं, उनसे कनेक्ट करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए, दे विल सर्टनली। कई लोग ऐसे हैं जो आपके वॉचेस दे देंगे ओल्ड प्राइसेस पे, लेट मी टेल यू। सो गेट इन टच विद राइट पीपल, जस्ट बिकॉज आपको कोई भी वॉच लेनी है उसके पीछे मारिए। ये मेरे लिए फाइव फेवरेट है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, बट अगर आपको ये चाहिए और आपको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई हुई है, आई विल लिंक आ रहा होगा, गो एंड वॉच इट। नंबर 3 पे आती है द मोस्ट फेमस, द मोस्ट ओजी, द मोस्ट आइकॉनिक वॉच, वन ऑफ द आइकॉनिक HMT वॉचेज जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट HMT पायलट ब्लैक, नॉट द वाइट वन, द ब्लैक। आई फाइंड इट रियल सेक्सी। इसके यू नो अगर आप देख सकते हैं केवल 12 पे ही नंबरिंग है, बाकी सब यहाँ पे डॉट्स एंड डॉट्स ही हैं, या डॉट्स की डॉट्स एंड लाइन्स की मार्किंग है। एंड अब जानते हैं जो इसके 12 मार्किंग है, डॉटेड मार्किंग है, और इसके हैंड पे भी इल्यूमिनेशन ग्लो करती है, रात में बहुत बढ़िया ग्लो करता है। इसके पायलट की राइटिंग भी अलग है, इसका बस अरेबिक 12 मार्किंग है और बाकी सब डॉट्स एंड लाइन्स है। आई फाइंड इट रियली प्रिटी सेक्सी। और अगेन पायलट एक आइकॉनिक वॉच थी जो मुझे अपने कलेक्शन में चाहिए थी, इसकी एक वैल्यू है, एक हिस्ट्री है, इसलिए वॉच मैं चाहता था। वाइट मुझे नहीं मिल पाई, मुझे ब्लैक ही मिली, और टू बी ऑनेस्ट मैं ब्लैक ही चाहता था। आई थिंक कहते हैं ना मैनिफेस्ट करो आप तो हो जाता है, और टू बी ऑनेस्ट बहुत पायलट 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 करता था। अचानक से एक दिन 2-3 वॉचेज आई, शायद लोग कोहिनूर के चक्कर में पड़ गए, वो पायलट नहीं थी और ये ओल्ड वेबसाइट था उस समय, और मैंने ये ले ली थी। अगेन तब भी ये मुझे आई थिंक 3800 की पड़ी थी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द गॉड एंड और भी लोगों जिन्होंने मुझे हेल्प की कि ये अवेलेबल है वेबसाइट पे, और ये मेरे पास है। इसका रेड सेकंड देख रहे हैं, हैंड कितना सेक्सी लग रहा है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, रियली प्रिटी। दिस इज 3rd पिक एंड इट्स पार्ट ऑफ माई कलेक्शन। अगर आप ले सको कहीं से मिल जाए, आई वुड सर्टनली से कि ये आपको ऐड होना चाहिए। इसके भी एक वीडियो मैंने डेडिकेट बनाई है, आई बटन पे आ रहा होगा, गो एंड वॉच इट। नाउ दिस वॉच को मैं दिखाने से पहले, नंबर 2nd पिक है मेरी, कोई रैंकिंग नहीं, ऐसे ही मतलब जनरली नंबर 2nd में बोल रहा हूँ। इस वॉच के लिए मुझे बहुत लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, और ये वॉच हिमालय से भी ज़्यादा मैंने बहुत लोगों को परेशान किया था। एंड एक सर है मेरा जिनको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ही वॉज अ गाइडिंग लाइट। उन्होंने किसी अपने फ्रेंड को बोला जिन्होंने मुझे ये वॉच बेची, एंड मार्केट रेट से कम में बेची, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ देम। एंड बिकॉज उन्हें को लगा कि मेरे लिए एक वैल्यू क्रिएट करती है वॉच, वो मुझे क्यों मैं लेना चाहता हूँ उनको समझ में आई, और वो वॉच है HMT कर्ण। लुक एट द ब्यूटी गाइज, डायल जो बहना, जो अगर आप देखें स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अंदर एक सर्कल पे ना डॉटेड डॉटेड है, अगर आप देखो पैटर्न एक सा नहीं, पूरा वाइट मतलब प्लेन पैटर्न नहीं, अंदर पूरा डॉटेड डॉटेड सा है। एंड दिस ब्लू हैंड, ओ गॉड, दिस इज रियल सेक्सी वॉच, HMT कर्ण। अब कर्ण मुझे क्यों पसंद है, बिकॉज माई फेवरेट कैरेक्टर इन महाभारत इज कर्ण, जो उसकी एक स्टोरी है, जो उसकी स्टोरी लाइन है, और मुझे बहुत पसंद है वो कैरेक्टर। और जब मुझे पता चला HMT में कर्ण वॉच भी आती है तो मैं पीछे पड़ गया था, क्योंकि वेबसाइट पे तो अब जो वॉच आती है 10,000 की, लेकिन दिस 10,000 की, 9,600 रुपये की वॉच है, और ये मैंने ली थी 5,000 में, तब उस समय प्राइस हाइक ही हुआ था। 5500 की वॉच थी, उन्होंने मुझे 5,000 में दी थी, एंड विद ऑल बिल्स एंड एवरीथिंग, एंड थैंक यू टू दैट सर। एंड दिस इज अगेन अ रियल जेम वॉच, अगर आपको मिल सकती है तो प्लीज़ गो हेड एंड ग्रैब इट। इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है, अगर आप उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सर्टनली मेक इट। बट ये वॉच सर्टनली एक आपके कलेक्शन होना चाहिए, अगर एक ये वैल्यू और आपको एक वो फीलिंग देती है कि अगर आप महाभारत या इस कैरेक्टर से मेरी तरह इंस्पायर्ड हैं या बहुत फैसिनेटेड हैं, तो ये वॉच आपके लिए। नाउ द मोस्ट ओजी, दी ओनली वॉच विच जहाँ से सब स्टार्ट हुआ था, यू आर करेक्ट, HMT जनता वाइट,
इसी सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ये पहले ही लॉन्च थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने लॉन्च किया था, एंड ये पहली वॉच थी जो घर घर में गई थी एचएमटी जनता, जिसने एक लेगेसी बनाई है। दिस इज़ अ लेगेसी वॉच। अगर आप एक कलेक्टर हैं, आप एचएमटी कलेक्शन करना चाहते हैं, ये वॉच आपको टारगेट करनी ही करनी है, बिकॉज दिस इज़ वेर इट ऑल स्टार्टेड, यू नो, एचएमटी जनता। ये मुझे वेबसाइट पर परचेज थी तब, इतना मतलब एचएमटी का बस शुरू ही हुआ था, फोमो वाला सीन। और अगर इसका सबसे अच्छी बात है, इसका जो रेड सेकंड हैंड ना, क्या सेक्सी लगता है। जनता जो इसका भी जो जनता लिखा हुआ है वो भी बहुत सुंदर लगता है। इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई है, आई टी बटन में आप देख सकते हैं। बट ये मुझे लेना बहुत ज़रूरी था मुझे, बिकॉज दिस वॉच हैज़ अ हिस्ट्री, हैज़ अ लेगेसी। जैसे मैं बोलता हूँ, हर वॉच मेरे पास जो है उसके पीछे एक स्टोरी है, एक वैल्यू है, तभी मैं पैसे खर्च करता हूँ। ये तो मुझे 3800 में मिल गई थी। अभी तो बहुत लोग तरह तरह की वॉचें, जनता की और भी सारे एडिशन है, जैसे कि जनता डीलक्स है, और वो सस्ती मिलती है, आई थिंक जनता को देवनागरी है, वो भी काफ़ी मार्केट में काफ़ी गो टू वॉच, बहुत फेमस है, बहुत लोग उसको पाना चाहते हैं, बट वो भी बहुत महंगी है। बट अगर ये वॉच आपके कलेक्शन में कैसे भी आ सके, एचएमटी जनता दी ओजी दी, दिस इज़ वेर इट ऑल स्टार्टेड गाइज। अगर ये आपको मिल जाए, इसकी एक वैल्यू है, एक इसकी हिस्ट्री, एक रिच लेगेसी है, इस वॉच को लोग ज़रूर देखेंगे, पूछेंगे आपसे कहाँ से मिल गई भाई, और यू कैन हैव दैट पीस ऑफ हिस्ट्री इन योर रिस्ट। सो प्लीज़ गो हैड एंड बाई इट। आई बटन पे इसका लिंक पहले शेयर कर दिया मैंने, तो आप जाके देख सकते हैं। सो गाइज, ये थी पांच कलेक्शन, जो पांच वॉचेज जो मेरी कलेक्शन की थी, जिसमें से अगर मुझे पिक करनी है तो मैं नहीं पिक कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी कर्ण भी पसंद है, एचएमटी हिमालय भी पसंद है, और मुझे एचएमटी शिव भी पसंद है, तो मैं नहीं कर सकता। बट यही पांच थे जो मुझे अपनी वॉच में, अगर मुझे निकालने को बोला जाए कलेक्शन में, तो ये पांच वॉचेस हैं एचएमटी की वॉचेस। ऐसे और भी ब्रांड है जो मेरे पास है, लेकिन एचएमटी वॉचेस में ये पांच हैं, जो कि आउट ऑफ द लीग हैं, नॉन अनक्वेश्चनेबल है कि ये एक वैल्यू ऐड कर रही है मेरी कलेक्शन में, क्योंकि इनके पीछे एक हिस्ट्री है, एक रिच लेगेसी है, और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ ये सारी वॉचेस, आप जाके ले सकते हैं। बट डू नॉट शेड लॉट ऑफ मनी, बहुत बाहर मार्केट में बहुत गंदा हिसाब चल रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी जो कि आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसको जाके देख के आइए कैसे आप बाई कर सकते हैं। बाकी अगर कोई हेल्प चाहिए, कोई आपको किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, आप मुझे लिंक आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बोल सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा बोनस मैं आपको दूंगा, ये दो वॉच भी मेरे पास है। अब ये मैं क्यों नहीं लिखा, मैं 10 वॉचेस का नहीं बनाना चाहता, बहुत लंबी वीडियो आती, तो एचएमटी कोहिनूर ये देख रहे, दिस लाइट ब्लू एंड दिस इज माई प्रेशियस एचएमटी सेल्वन, ये भी है मेरे पास। अब कोई बोलना मत कि मेरे को बेच दो, मेरे को तो मैं नहीं बेचने वाला, ठीक है। सो गाइज, यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट में जाके अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, नहीं पसंद आई तो फीडबैक लिखिए कमेंट, उस पर कुछ वर्क करेंगे। बट बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए गाय ऑन बजा।